वेलकम बैक गाइस। तो कैसे हो यार सब लोग, आ चुके हैं हम न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस ये है कुछ वंडर हिट की। आप लोग हमेशा बोलते हो कि वंडर वॉर के हिट दिखाया करो, तो यहाँ पे मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ स्पेशल वंडर हिट की। यहाँ पे जो क्लिप आप देख रहे हो ये है केवीके का कल रात का, एंड यहाँ पे फोर्ट में आप देख सकते हो सिर्फ 3 मिलियन ट्रूप्स है। एंड जिस लीड ने होल्ड किया हुआ है वो भी मतलब मेरे जैसा ऑलमोस्ट सिमिलर गियर के साथ था। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं जो रैली कर रहा हूँ 947, एंड रैली हमारी फिल नहीं थी क्योंकि रात का काफ़ी टाइम हो गया था, 10-11 बज गए थे, एंड इसलिए रैली फिल नहीं हुई थी। तो मैंने डिसाइड किया कि 2.5 मिलियन इनफ। एंड यहाँ पे जो आप इसके गियर देख रहे हो ये मुझे पता था ये इसके फेक गियर हैं। तो मैं क्या कर रहा था कि इस प्लेयर के गियर देख रहा था कि कौन से गियर है, कैसे मतलब है, उसके बार बार गियर देख रहा था, हालांकि इसने ये फेक गियर लगाए हुए हैं। एंड जैसे ही मैंने देखा ये देखो ऑलमोस्ट 6 पीस चैम्प था ये, एंड वंडर्स पे था 3 मिलियन ट्रूफ्स जो कि लेकर बैठा था 4-3-3 कॉम्प के साथ। इसको आसानी से हरा दिया क्योंकि 4-3-3 कॉम्प लेकर अगर आप बैठोगे एंड कोई आपके ऊपर 6-5-9 या 9-4-7 या 4-2-4 हिट करता तो डेफिनेटली आप लूज़ करोगे, डेफिनेटली अगर रेंज वर्सेस रेंज होती है। तो यहाँ पे भी सेम हुआ, यहाँ पे अगर 3 मिलियन मेरे पास ट्रूप्स होते तो इसको और ज़्यादा डैमेज मिलता, हालांकि 2.5 वर्सेस 3 मिलियन था तो इतना डैमेज नहीं मिला इसको, फिर भी ठीक था। तो गाइस नेक्स्ट क्लिप है, यहाँ पे मैं वंडर्स वॉर ही खेल रहा था, मतलब एक प्लेयर ने ये जो है इसने फोर्ट के ऊपर अपने 250 के ट्रूफ डाले हुए थे, मैंने क्या किया दूर से सोलो मारा एंड इसका लीडर कर लिया कैप। उसके बाद मैंने इसके ऊपर रैली सेट कर दिया, हालांकि ये प्लेयर वहाँ से भागा नहीं, 1.1 बिलियन का प्लेयर है एंड वहीं पे रहा। एंड इसके जो गेयर हैं मतलब पर्पल गेयर, यहाँ पे आप देख सकते हो सोलो जो मैंने मारा इसका 250 ट्रूफ फुल कैप हो गया है क्योंकि काफ़ी मतलब वंडर्स के हिसाब से वीक था काउंट इसका। तो यहाँ पे मैं रैली कर रहा हूँ मिक्स रैली, एंड मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इसके पास इतने ट्रूप्स होंगे, बट खुद देखो क्या होता है। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ मिक्स रैली, मतलब 1-1-1 रेशो की कॉम्प से जा रहा हूँ, एंड मैं इसको इन्फेंट्री फेलिंग्स मीट करूँगा क्योंकि वॉक बैक होने चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर आप इन्फेंट्री फेलिंग्स मीट करते हो मिक्स रैली। तो यहाँ पे रैली होने वाली है लॉन्च, एंड यहाँ पे मैं 20% अटैक बूस्ट ऑन करता हूँ क्योंकि 50% तो हम पे है ही ना। तो गाइस यहाँ पे मतलब वो प्लेयर को ना ही रीइंफोर्स मिली एंड ना ही मतलब कुछ उसने शायद फ्यूरी ली। एंड यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स को बोल रहा था कि यार रैली लेट मत करो क्योंकि शायद अगर उसकी फ्यूरी ख़त्म हो दूसरे किंगडम में भाग सकता है। तो यहाँ पे मैं देखो 20% ऑन करता हूँ सिर्फ, एंड जैसे ही मैं बोलता हूँ कि प्लेयर्स प्लीज़ कार्पेट करो तभी वो क्या करता है गाइस, रैंडम ले लेता है, तुरंत रैंडम ले लेता है। एंड यहाँ पे जब वो डैमेज मिलता है तो सिर्फ मेरी ट्रूप्स वापस आती हैं, एंड उसके पास 33 मिलियन ट्रूप्स होते हैं 33, एंड जो वापस आता है सिर्फ सी जाता है। हालांकि ये रैली बढ़िया हो सकती थी, न्यूट्रल हिट किया मैंने, अगर इसके पास लीडर होता तो डेफिनेटली कैप करता मुझे। लीडरलेस के साथ भी इसने अच्छा खासा डिफेंड किया क्योंकि T4 बहुत ज़्यादा है इसके, मतलब कैसल के अंदर 12 मिलियन के ऊपर सिर्फ T4 है गाइस। तो वापस आते हैं वंडर्स वॉर के ऊपर। तो यहाँ पे गाइस मैं फिर से जा रहा हूँ, मतलब मेरा पुराना सेम कॉपी, यहाँ पे आप देख सकते हो इसके पास मतलब फोर्ड में 3 मिलियन है बट इसके गेयर मतलब मेरे से बेटर है एंड आर्टिफैक्ट्स भी अच्छे लगे हुए हैं। तो यहाँ पे मैं सेम अपने 6-5-9 कॉम्प के साथ मैं हिट कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा मतलब फेवरेट कॉम्प है। उस कॉम्प को आप इन्फेंट्री फेलक्स में भी खेल सकते हो, रेंज में भी खेल सकते हो, एंड कैब वर्सेस कैब में भी खेल सकते हो। अगर कोई 2-0 मार रहा है तो रेंज वेज में भी खेल सकते हो। तो मतलब इस कॉम्प में मतलब आपके पास चॉइसेस काफ़ी होती हैं एज़ कम्पेयर टू 4-3-3। अगर आप 4-3-3 से खेल रहे हो तो आप ना उसको रेंज वेज में खेल सकते हो, ना कैब फ्रंट में खेल सकते हो, उसमें सिर्फ आप रेंज या इन्फिनिटी फ्रंट में खेल सकते हो। बट 6-5-9 के साथ ऐसी बात नहीं है, इसलिए लोग मतलब 6-5-9 को ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि आपके पास चॉइसेस बहुत होती हैं। तो सेम चॉइसेस के साथ मैं नहीं, यहाँ यार यहाँ पे शायद मैं
05 पर रैली कर रहा था गाइस, मिस्टेक हो गई, 05 पर रैली मैं यहाँ पे हिट कर रहा था क्योंकि सामने वाले का जो कॉम्ब था 659 था, 659। यहाँ पे आप देख सकते हो किसी ने इन्फेंट्री ज़्यादा भिजवा दी तो मैं इन्फेंट्री सेंड बैक कर रहा था, तो मैं जा रहा हूँ 659 वर्सेस 055। आप देखो क्या होता है, यहाँ पे मैं गियर लगा लेता हूँ अपने 055 के, गियर देख सकते हो मेरे इतने ज़्यादा मतलब कोई एडवांस नहीं है, नॉर्मल मिथिक गियर है, चैम्पियन पीस भी मतलब एक दो ही है इसमें। तो गाइस यहाँ पे देखो मतलब ऑलमोस्ट डबल डैमेज, हालांकि उसकी रैली फिल नहीं थी, बट अगर रैली फिल होती डैमेज कम होता, बट डेफिनेट फिर भी वो लूज़ करता क्योंकि 659 है एंड उसको आप रेंज फिलिंग्स में ले रहे हो, तो इसकी बेस्ट ऑप्शन मतलब रेंज फिलिंग की सी थी, बट आपके पास यहाँ पे कोई ऑप्शन नहीं है, अगर आप 659 लेकर बैठे हो तो आप यहाँ तो विड्रॉ कर लो, 055 का आ रहा है तो डिफेंड करने का कोई मतलब है ही नहीं, तो आपकी भलाई इसी में है कि आप इसको क्या कर लो, रिकॉल कर लो, और कुछ नहीं हो सकता। तो गाइस यहाँ पे मैं जा रहा हूँ फुल, देखो गाइस ये है नेक्स्ट क्लिप, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 53 प्लस गेयर वाले के ऊपर गाइस 53। यहाँ पे मैं सोच रहा था कि शायद मैं इसको मतलब 055 से हरा दूंगा क्योंकि वो प्लेयर था 433 कॉम्प की एंड उसके ऊपर मैंने ध्यान नहीं दिया, इसके पास रेंज का जो शील्ड फैम भी था जो उसकी क्या करता है रेंज को प्रोटेक्ट करता है, एंड यहाँ पे मैं ब्लैक विंग मारने का पता नहीं क्या सोचा था कि ब्लैक विंग मारा जाए, तो जीसी में मतलब प्लेयर्स लिख रहे थे कि ब्लैक विंग मारो तो मैंने ऑन कर लिया, यार देखी जाएगी वो ब्लैक विंग मारा है, तो यहाँ पे जो मेरे सामने जो लीडर था मेरे से 3x मतलब 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा गाइस, 3 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, तो फिर भी मैंने मतलब ये देखो गेयर देखा, जैसे ही मैंने इसके गेयर देखे मैंने कहा यार देखी जाएगी अब, तो हिट कर दिया जो हिट कर दिया, तो यहाँ पे मैं जा रहा हूँ 055 के साथ क्योंकि अगर मैं मिक्स मारता इसके अगेंस्ट तो मैं डेफिनेटली यूज़ करता, तो मेरे पास कोई इतनी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, या तो फिर मैं 1433 जा सकता था, बट मैंने डिसाइड किया 055। यहाँ पे मैं अपना टैग पुश करता हूँ 70% क्योंकि चांसेस मेरे बहुत कम थे जीतने के, बट फिर भी मैं हिट कर रहा था क्योंकि बेस लो फोटो लॉक होने में कुछ ही टाइम बाकी था, तो यहाँ पे बुरी तरह मतलब ब्लैक विंग हिट मारा, बट जितने ही इसके ब्लैक विंग से रेड हुए थे उतने ही मेरे ट्रूप्स मरे थे उससे थोड़ा कम, बट यार रेंज उसमें उसने काफ़ी ली रखी थी इसलिए मार गया था। तो यहाँ पे मैं फिर से रैली कर रहा हूँ इस प्लेयर के ऊपर जो है मतलब ये भी मेरे से मतलब ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, देखो गाइस अगर मेरे इक्वल का प्लेयर हो तो मैं यार सिर्फ 2 या 3% चांसेस होते हैं कि मैं उस रैली को लूज़ करूं अगर मेरे इक्वल लेवल का प्लेयर है तो, बट फाइट मैं करता हूं अपने से मतलब 2x प्लेयर के साथ या फिर मेरे से कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो यहाँ पे जो इसके ऊपर मैं रैली कर रहा हूँ इस पे थे 29 प्लस, बट गियर मेरे जैसे थे, एक चैम्प की एसएसडी थी एंड बाकी सारे जो थे मिथिक चैम्प थे, तो यहाँ पे मैं रैली कर रहा हूँ 659 जो कि मेरा फेवरेट कॉम्प है, तो यहाँ पे इसने भी 659 के साथ होल्ड किया हुआ था, तो यहाँ पे मैंने डिसाइड किया कि इसको मैं कैब में मारता हूँ क्योंकि इसके पास रेंज थोड़ी सी कम है, यहाँ पे आप इसके गियर देख सकते हो, हालांकि ये 29 ब्लेस था, तो यहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ 659 विद कैवलरी सॉर्ड, तो यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, उसने भी 6.9 कॉपी ले रखा था एंड मैंने भी कर रहा था, यहाँ पे उसका अटैक थोड़ा सा ज़्यादा था क्योंकि उसके पास 4 का अटैक भी था, तो यहाँ पे मैं इसको इजीली हरा देता हूँ इजीली, बट जैसे ही मैं बैटल मतलब खोल के देखता हूँ इतनी भी मतलब इजी नहीं हराया इसको, बहुत ही क्लोज थी बैटल, बहुत ही क्लोज मतलब सेम लेवल के T5 थे तो क्लोज थी, बट मज़ा आया मतलब जब आप हराते हो अपने से ज़्यादा लेवल के प्लेयर को तो मज़ा आता है यार, अच्छा लगता है कि आपका अपने काउंट की
वो पता लग जाती है कि आपका अकाउंट कितना स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे आप मेरे गेस देख सकते हो, यहाँ पे देख सो आप देखना इसके 29 प्लस, जो कि मेरे सिर्फ 13 प्लस है, 13 प्लस, एंड ये तो मेरे से डबल प्लस है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक जरूर करके जाना, सब्सक्राइब करना मत भूलना।